बुजुर्गो नौजवान दोस्तों, हमारी माता है कांडे मेरे साथ आए पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष आपकी भांजी अभी मैं छोड़ रहा था डॉक्टर आशा खेतर सीमा जी गैपीपुर हमारे रंजीत सिंह जी रेडू साहब पार्टी के सभी हमारे संयोजक विस्तारक प्रभारी मंडल अध्यक्ष जितने मंच अधीन सम्मानित मंच हवा ठीक आ रही है ना जी आ रही है जी आ रही। मैं आपसे दो चार बात वो करूंगा जो पॉलिटिकली करनी चाहिए। थोड़ा कम बोले ना, 10 मिनट में अपनी बात कह दूंगा। ऐसा है कि देश में कभी कभी कोई एक नेतृत्व का देश चलता है, कभी महात्मा गांधी से चला, कुछ दिन नेहरू परिवार से चला, फिर एक वक्त आया जब देवीलाल और बीपी सिंह ने देश को चलाया। जो देवीलाल का वक्त था तब देश के प्रधानमंत्री बनाने मुलायम सिंह लालू ये सब जो देवीलाल ने बनाए, ओम प्रकाश जी बने, हुकम सिंह बना, सीधा भैया एक बार बोले ना जी, 5 मिनट सुनने की बात है पर समय तो देखो, हर महाभारत कहा गया, रामायण चलेगी, हर टाइम तो उसका अपना एक समय होता है। तो चरण सिंह क्यों देवीलाल, मैं इस गांव से पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ज्यादा बहुल ये गांव है, मेरी बात गलत हो तो वोट नहीं मांगूंगा। चौधरी चरण सिंह को अगर कभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। जो देवीलाल को अगर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। जो देवीलाल कांग्रेस छोड़ के बाहर आए, जो चरण सिंह कांग्रेस छोड़ के बाहर आए तब वो मुख्यमंत्री बने, देश के ऊपर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बने, और जब बने तो डॉक्टर मंगल सेन विजय राजे सिंधिया राजमाता ग्वालियर की पूरे जायुक्त में जो देवीलाल के साथ मंच पे हुआ करते थे। 1970 में जो देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी सब मिलके एक लोकदल सब एक पार्टी थी। उस चुनाव के ऑब्जर्वर ये रिकॉर्ड पे अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, पहली बार जो देवीलाल को मुख्यमंत्री वाजपेयी जी बना के गए 1970 में। अब भाई मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ कि जिस कांग्रेस में मैं था सबसे बड़ी रैली करता था, मेरे पिछले चुनाव में टिकट काट दी, मैं कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गया, लोग कह लगे खड़ा हो जा, मैं खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, सब पार्टी के जमाने से 25,000 से जीता, मुझे बीजेपी ने उठा के सबसे बड़ा मंत्रालय मुझे डिजिटल मंत्री बना के हरियाणा सरकार ने रख दिया। उसके बाद जब 5 की कैबिनेट बनी नायब सिंह साहनी की, तो रणजीत सिंह को फिर उसने मंत्री बना दिया। 10 जेजेपी के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे, 17 में अकेले रणजीत सिंह को कैबिनेट में बनाया, और मैं पार्टी में नहीं था, मुझे बना के मोदी साहब देश की 400 टिकट जो प्रधानमंत्री निकाले, मुझे ये कहे कि रणजीत सिंह ये लोकसभा का टिकट लो, तुम चौ देवराम के बेटे हो, चुनाव लड़ो। तो भाई मुझे ये बताओ, कांग्रेस मुझे टिकट नहीं दे, बीजेपी मुझे मंत्री बनाए, फिर लोकसभा का टिकट दे 400 में से एक, अब मुझे बताओ कि मेरी भी तो आत्मा होगी, मुझे कहां जाना चाहिए। जो देवीलाल का बेटा और जो कांग्रेस टिकट नहीं दे, इतना तो खुद जा रहा हूँ उस खिड़की पे दोबारा जीत के कह दो जी मैं तुम्हारे पास आ गया, ये काम तो नहीं कर सकता। अब मैं अगली बात आपसे कहता हूँ, जो देवीलाल कांग्रेस छोड़ गए, जो चरण सिंह कांग्रेस छोड़ गए, जो बंसीलाल कांग्रेस छोड़ गए, ओम प्रकाश जी कांग्रेस छोड़ गए, मैं कांग्रेस छोड़ गया, और आज चौधरी बंसीलाल की पोती को मैं भी बता रहा हूँ 10 दिन पहले कांग्रेस की टिकट नहीं दी, ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ ना जी। आज इस कांग्रेस ने सर छोटू राम के दोस्तों को टिकट नहीं दे, भाई उस कांग्रेस के तुम क्यों जब फिर डाल रहे हो, मैं गलत